लैंडिंग है और May I now request Mr. Alok Agarwal to present a plaque of honor and appreciation to Mr. Rizwan. We are presenting this plaque of honor. आप लोग थोड़ा से स्पेस जरा आगे की जगह छोड़ दें, आप राइट लेफ्ट हो जाएं. I'm now calling the chief guest of the evening, Srimati Jyotika Talla ji. जोरदार तालियां. इस शख्सियत के लिए जिसने इंडिया को सबसे पहले हॉकी में ओलंपिक और स्वर्ण पदक दिलाए थे, आज के हमारे former Assistant Commissioner of Delhi Police and former Chair. हमारे बीच मुंबई से चलकर मुंबई में जो 400 से ज्यादा जो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट के अंडर में चलते हैं, अंजुमन इस्लाम, मैं अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट डॉक्टर जहीर काजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो भी मंच पे आए का इस्तेमाल करें. अब मैं एक जो हमारे मेहमानों को सेश प्रेजेंट करें मोजाम्बिक का सुविधा. इस बार आइडिया कम्युनिकेशन के चेयरमैन मैनेजमेंट के लिए लगता है बाहर से रहेंगे. उनकी तरफ से उनको ही वेल डिजर्व रिटर्न गिफ्ट उसको अर्पण है. मैं थैंक यू. अब मैं जैसे कि हमने एक फिल्म देखी है रिज़वान पे लिखी गई, रेशू जो उनका निक नेम है रेशू के नाम से और इसको आशु पटेल ने लिखा है. आशु पटेल हमारे बीच में हैं. अब हम उस बुक का लॉन्च करेंगे, बुक का रिलीज करेंगे. गजानन जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आप स्टेज पे ही रहें और आशु पटेल
Dr. Khalid Sheikh and Mr. Rupesh Shah. Mr. RIZWAN sir, जरा वहाँ book दिखाइए please. एक बार जोरदार तालियां इस भक्ति के लिए और इस बुक के लिए. थैंक यू वेरी मच. मैं इसके बाद मिस्टर रिज़वान रहती हूँ. प्लीज एक बार जोरदार तालियों के बीच सर बुक दिखा दीजिए एक बार. सर सर सामने फ्रंट. यस ओके ओके डन डन. सकते हैं तो ये तीनों टाइप के लोगों को मोटिवेट करेगी. इसके लिए ये जरूरी है कि इंडिया के हर एक फैमिलीज के पास ये मूवी पहुंचनी चाहिए और ये टैक्स फ्री होगी तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकेंगे. सर नौजवानों की तरफ से क्या खास पैगाम रहेगा खासतौर पर इस फिल्म के कारण? देखिए आपने खास तौर पर नौजवानों को टारगेट किया है, नौजवानों को देखा है. नौजवानों को मैं इतना ही कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म का विज़न रखो. लॉन्ग टर्म की आपकी सोच रहेगी ना तो वो हिसाब से आपकी लाइफ डेवलप हो सकती है. चैलेंजेस तो बहुत आएगी. आज भी लोग यूथ को जब वो शॉर्ट थिंकिंग रखेंगे या अननेसेसरी चीज़ों में या सब्सटेंस जैसी अब्यूज जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना तो वो अपनी लाइफ को ब्रेक लगा देते हैं. नौजवान की जो उम्र होती है ना वो एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है ईश्वर की तरफ से. और वहाँ से उन लोगों की प्रोफेशनल लाइफ शुरू होती है, वहाँ से उन लोगों की फैमिली लाइफ शुरू होती है. तो उन लोगों का लाइफ का ये फाउंडेशन है जो नौजवान है. तो वो फाउंडेशन को जितना हो सके इतना पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वो स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आगे की पूरी लाइफ वो सही तरह डेवलप कर सकेंगे. खास यही मैसेज दूंगा कि लॉन्ग टर्म की सोच रख के आप अपनी लाइफ को डेवलप करो. दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. एंड यूथ के लिए स्काई इज अ बिगनिंग. सो कीप इट दैट टाइप ऑफ द सोच एंड डेवलप योर लाइफ. फिल्म के बाद आज आपकी बुक भी रिलीज होने वाली है तो बुक में ऐसा क्या खास है जो आपको क्या ऐसा? बुक के अंदर भी वही बुक नोवेल है जो इंग्लिश में है जो आज इनका हम लोग विमोचन करने वाले हैं. इतना खास कोई डिफरेंस नहीं है बट जो हिंदी नहीं समझते जो इंग्लिश बोलने वाले लोग क्योंकि हम इंटरनेशनली टारगेट करते हैं तो ये नोवेल में से भी यही तीन टाइप के लोगों को जैसे मैंने मूवी में बोला प्रेरणा मिलेगी. तो इंग्लिश में ये मेरी नोवेल पढ़ के भी वो लोग को इतनी प्रेरणा और उम्मीद बढ़ेगी और होप मिलेगी अच्छा जीवन जीनेगी. और गुजराती में बायोग्राफी बुक लॉन्च हुई थी 3 साल हो गया और गुजरात के अंदर बहुत सारे स्कूल्स के अंदर एज ए सिलेबस या एज ए लोग बच्चों को सिखाते हैं मेरा एग्जाम्पल देखे तो उनको ध्यान में रखते हुए मूवी का प्लान किया और मूवी से हमें इंग्लिश नॉवेल का प्लान किया जिनका आज लॉन्च हुआ. आपको क्या नहीं लगता कि ये जो किताब है
मूवी डेफिनेटली हम प्लान कर रहे हैं, दूसरी जवान में भी डब करेंगे, एक बार हम पहले लॉन्च करेंगे जानकारी में लॉन्च होगी। और दूसरी सब चीज़ बता दूँ कि ये मूवी का जितना भी पैसा आएगा सारा रिज़वान या फाउंडेशन इंडिया में जाएगा और इससे एजुकेशन, हेल्थ या लाइवलीहुड पे उनके ऊपर काम किया जाएगा। तो जितना भी पैसा आएगा, जितनी भी उनका कमाई होगी सारी उसी में जाएगी। और दूसरी लैंग्वेज में डब करके हम लोग पूरा इंडिया कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Guest dignitaries, sisters and brothers, we are the difference se dekh kar kaha lagaya ki inka kaam aap kya inka kya karte maine inko takriban 2 saal se main inko jaanta hu maine वैसे भी इनको कहा है कि इनका नाम रिज़वान आड़तिया नहीं होना चाहिए, रिज़वान के साथ आड़तिया के साथ मैंने इनको भारतीय कर दिया है क्योंकि इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। तो इंसान भारतीय भारतीय ज्यादा बेहतर है आड़तिया से क्योंकि आपने भारत का नाम रोशन किया है। तो आपसे आप रिज़वान भारतीय है, शख्सियत से बड़ा देश होता है तो देश के साथ किसी का नाम जुड़ता है तो शख्सियत अपने आप गलत नहीं होती। पोरबंदर जाने का मौका मिला आपकी दावत पे, इन्होंने कहा कि इमाम साहब एक बार पोरबंदर आएंगे। मैं 3 दिन इनको समझने के लिए मैं गया, 3 दिन में वहां रहा, वहां इतनी चैरिटी की इन्होंने, उसमें एक चैरिटी जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। जब हम वहां होटल में ठहरे तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग आए और वो बुजुर्ग लोग बहुत सारे आए और इनसे मिले, इन्होंने हमें मिलवाया। इन्होंने जो बुजुर्ग हैं, जो इनके एरियाज में जो रहते थे बहुत गरीब लोग थे, लेकिन इन्होंने उनको अपना फादर और मदर के तौर पर, उनको चूंकि इनके फादर मदर नहीं होने की वजह से उनको फादर और मदर बनाया। मेरा नाम नवाजिश मेहदी है, मेरा ताल्लुक दूरदर्शन न्यूज़ से है। मूवी मैंने देखी, बहुत खूबसूरत है। उसमें जो स्ट्रगल दिखाया गया है रिज़वान साहब का, कमाल का, उनकी ईमानदारी को जिस तरीके से पेश किया गया है तो, और पॉजिटिविटी जिस तरह से इस मूवी में दिखाई गई है उनकी, बहुत कमाल की है। इंसान अगर ऐसा ही सोचे और इसी तरीके से काम करे तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुबारकबाद रिज़वान साहब को, और ऐसी तरक्की करते रहिए, इंशाल्लाह आप और भी बहुत आगे जाएंगे। देना चाहेंगे जी, 5 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं मूवी की बात करूं, उसके डायरेक्शन की, उसकी एक्टिंग की, ये तो बात अलग है, लेकिन जो मूवी की स्क्रिप्ट है जो रिज़वान साहब पे लिखी गई है उसे मैं 5 में से 5 नंबर दूंगा। डायरेक्शन को 5 में से 4 मार्क्स दूंगा और एक्टिंग भी अच्छी थी उसमें से भी, उसे भी मैं 5 में से 4 मार्क्स दूंगा। मेरा नाम तो मोहम्मद कमरुद्दीन खान है, मैं कमर इंटरनेशनल कंपनी का मैं चेयरमैन हूँ और मुझे मूवी के बारे में सिर्फ इतना कहना है कि बहुत बड़ी नसीहत है हमारे यंग लोगों के लिए। और जो इन्होंने ये जो बनाने वाले हैं फिल्म को, बहुत ही इन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी के चढ़ाव उतार को बहुत बखूबी जाहिर कर दिया है। हमको एक इस फिल्म से नसीहत लेनी चाहिए। मैं मालिक से ही दुआ करूँगा कि रिज़वान आदतिया ही जिस तरह किए हैं इस तरह काम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। बस इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। 5 में से 5 दुकान मालिक जो मुझे थोड़ा थोड़ा देता था वो, लेकिन उसमें से भी मैं ज्यादातर लोगों की सेवा में ही खर्च करता था क्योंकि मैंने पढ़ा था कि मानव सेवा के इम्पोर्टेंस क्या है, मानव सेवा का क्या मतलब है, अल्लाह ताला की हमें इंसान बना के भेजने का जो मकसद क्या है वो मैंने बचपन में ही पा लिया था। तो वो जो इंसिडेंट हुआ था वो बुजुर्ग का, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि वो रात को मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी और इतनी खुशी कि आज भी मैं वो खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो चीज पे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मेरी जिंदगी लोगों की सेवा में खर्च करूंगा। और वो बात है नवंबर 1985 की, आज चल रहा है अक्टूबर 2019। ये 35 साल के अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा, मेरा खुदा मेरा गवाह है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जहां मैंने लोगों की सेवा नहीं की। वो
और वही सेवा की प्रयास से और वही विजुअलाइजेशन कर कर के मेरी आगे की चीजों को मैं अपनी लाइफ का मैं पार्ट बना रहा था। और 2015 में ये रिजवान आदित्य फाउंडेशन अस्तित्व में आया, जो आपने देखा तीन कंट्री में है, क्योंकि तीन कंट्री का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे मेरा बोर्न एंड ब्रॉट अप पोरबंदर है, महात्मा गांधी जी के गांव, और महात्मा गांधी जी के हम नेबर भी थे, आज भी हम उनके नेबर है। तो गांधी जी के का इन्फ्लुएंस बहुत है मेरी लाइफ के ऊपर। तो मेरा बचपन 17 साल पोरबंदर में गुजरा है और 13 साल में DRC कॉन्गो, जहां धमाल आपने देखी, अभी तो बहुत चेंज हो गई है कंट्री, 13 साल वहां रहा हूं और 20 साल से मैं मोजाम्बिक में रह रहा हूं। इसके लिए तीन कंट्री का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए तीन कंट्री में हमने फाउंडेशन खोल के हम काम कर रहे हैं और 2015 से अभी तक की हम बात करें, इसे के पीछे भागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रुकना नहीं। तो हमारा लक्ष्य अभी बहुत बड़ा है, आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का सके। और एक कमिटमेंट मैंने अपने देश को यह दिया है, क्योंकि मेरा हूँ लेकिन मेरा दिल आज भी हिंदुस्तान में है, अपने देश को मैंने ये कमिटमेंट दिया है कि मैं हर महीना अफ्रीका से इंडिया। अंदर ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्सनली मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट भी मानता हूँ कि पर्सनली तीन बार मुझे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने का अवसर मिला है और दूसरे सारे बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर ने मेरा सम्मान किया है, मुझे अवार्ड से नवाजा है और आज तक 29 अवार्ड्स मिले हैं। आज मेरा सम्मान था अपना इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर पे, जहां मुझे मेरे लिए तो वो बहुत अवार्ड और ब्लेसिंग थी, तो 30वां अवार्ड मैं उनको काउंट करता हूं। आज मुझे शाम को मिला अवार्ड, उनके लिए मैं प्रेसिडेंट साहब, कुरैशी साहब और एंटायर ट्रस्टीज का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग आए, आप लोगों ने 3 घंटे से हमारे साथ स्पेंड किया, इन्वेस्ट किया, मैं बोलूंगा क्योंकि आप लोगों को मूवी अच्छी लगी, इसके लिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ज़फ़र इकबाल है और फॉर्मर हॉकी कैप्टन रहा हूँ हिंदुस्तान का, और बहुत इंस्पायरिंग मूवी बनाई है और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को सीखना चाहिए कुछ ना कुछ रिजवान भाई के कैरेक्टर से, और क्योंकि जो कैरेक्टर दिखाया है वो बहुत रेयर कैरेक्टर है उनका, और 5 में 5 बिल्कुल, यानी 5 का 10 हो सकता है, नॉट लेस देन। मेरा नाम फौजिया है, बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है, इससे बहुत कुछ लेसन सीखा और ख़ास तौर से कहूँगी कि सब बच्चों को और सबको देखना चाहिए और इससे एक लेसन सीखना चाहिए, उनकी लाइफ एक खुद लेसन है जो हम लोग को याद। हेल्पफुल होना उनका मतलब, लाइक अगर अपने पास एक लिमिटेशंस हैं फिर भी हम दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, और इतनी हेल्प करी उन्होंने और ये किया, तो वो चीज़ एक ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ कम है और आप नहीं दूसरे की हेल्प कर सकते। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मजहर महमूद है। ये बहुत इंस्पायरिंग मूवी रही है, इसमें जो है एक रोल मॉडल शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जो जिसने देश के लिए एक रोल मॉडल क्रिएट किया, ऐसी शख्सियत पर एक रियलिस्टिक ग्राउंड पर तैयार की हुई मूवी है, एक ऐसी मूवी है जिसे हर
कम्युनिकेशन मीडियम में दिखाया जाना चाहिए ताकि रिजवान आरतिया के अंदाज के कई और लोग भी इससे सबक हासिल करें और देश के उन्नति और विकास में इसी तरह योगदान दें जैसा कि रिजवान आरतिया जी ने किया है। और इन पर जो किताब तैयार हुई है, इस किताब का तर्जुमा सभी जबानों में होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। हेलो, आई एम रूमी पल्सेटिया फ्रॉम माल्टा एंड इट वाज फैंटास्टिक सीइंग द लाइफ ऑफ मिस्टर रिजवान आदित्य एंड आई ऑलवेज से कई व्याधि नहीं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आई एम सिद्धार्थ जैन, मूवी देख के बहुत अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि मैं भी इनकी तरह बनूं और इनके पच्चे नौ पे चलूं। पांच में से कितना नंबर चला चाहेंगे? 8 नंबर। बहुत बड़ा परिवार था, उनको बार बार इस कहानी में दोहराया गया, बार बार वो जैसे वो स्टोरी बताई कि बार बार उनको इतनी प्रॉब्लम आई, फिर भी वो प्रॉब्लम से हारे नहीं और वो आगे बढ़ते गए। उस बिजनेस जैसे भी उनको तकलीफें आई, काफ़ी जो इन्होंने अफ्रीका और इंडिया को लेकर कॉन्सेप्ट बनाया है, तो अफ्रीका में उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई और इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम, उस दोनों को इन्होंने, दोनों देशों का जो एक रिलेशन है वो बताया और किस तरह वो प्रॉब्लम से निकले। और फिल्म के बारे में बोलूं कि ये एक बहुत बेहतरीन कहानी है, आजकल की जनरेशन को ऐसी कहानियां देखनी चाहिए क्योंकि इसमें एक मैसेज मिलता है किस तरह अगर इंसान हिम्मत करे तो कभी भी हार नहीं सकता है। और एक उनकी सच्ची कहानी है रिजवान, जिसमें उन्होंने एक कहानी को बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने पेश किया है, एक अच्छी कहानी है और इस कहानी में बहुत चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। और मैं चाहूँगी हर, अगर ये थिएटर रिलीज होगी तो हर पर्सन को रिजवान देखनी चाहिए। ये रिलीज़ तो अभी नहीं होगी, अभी तो ये तो मुझे लगता है इवेंट्स में इस तरह रिव्यू कर करके अभी दो तीन दिन पहले, शायद दो दिन पहले इस्लामी सेंटर, इस्लामी कल्चर सेंटर में उन्होंने दिखाई, अभी आज इधर से आए, अब आपके रिजवान सर के अपने प्लान होंगे कहाँ कहाँ दिखाएंगे। लेकिन फिल्म प्रोफेशनली बहुत, अब टेक्निकली से मैं नहीं जाएंगे, लेकिन एक बायोपिक, एक कॉन्सर्ट बहुत किस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया, बहुत बेहतरीन। अगर आप इस फिल्म को, मैं यकीन से कहेंगे, अगर आप इस फिल्म को एक बार शुरू से स्टार्ट करोगे देखना, फिर आप उठ नहीं पाओगे इस थिएटर से, कंप्लीट फिल्म देख के ही उठोगे। तो ये कहानी अपने आप में आपको बांध लेती है और कहानी ट्रू है। मैंने बताया ना, फिर थिएटर में हम फिल्म देखते हैं, बाहर जाके कॉन्सर्ट फिर तो भूल जाते हैं, लेकिन इस कहानी को जो भी देखेगा तो कभी कभी जब भी उनको कोई तकलीफ होगी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँगी, कभी अगर मुझे मुश्किल होगी तो रिजवान का जो हिम्मत है मैं हमेशा सामने लेके आऊँगी, बहुत इमोशनल है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्हाट्सएप के माध्यम से कई सारी चीज़ें जो मैं खुद जानता हूँ उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके पर्सनैलिटी के बारे में, ये सारी चीज़ें इस मूवी में भी दर्शाया गया है। 3.5 घंटा मैं समझता हूँ कि बहुत कम है इनके अलग अलग जीवन के और लाइफ के अलग अलग पर्सनैलिटी के बारे में दर्शाने के लिए। 3.5 घंटा एक छोटा सा झलक था। अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की है। जी हाँ, ऐसे एक शख्स हैं रिजवान आदित्या साहब, हमारे साथ बातचीत करने मौजूद हैं, उनसे जानते हैं रिजवान साहब किस तरीके से और वहाँ देखो हम लोग, मैं एक छोटा सा परिवार का हिस्सा था, गरीब थे गुजरात के अंदर, तो हमारे घर में सेक्युलर एजुकेशन का कोई मोटिवेशन नहीं था जैसे आपने मूवी में देखा। बट मैं, हमारे 7 भाई बहन में सबसे छोटा था, तो बचपन से मैं रिलीजियस बहुत था। मैं आज कुरान, गीता, बाइबल सबके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, वो चाह रहा है। तो बचपन में भी मैं जब कुरान पढ़ रहा था और दूसरे रिलीजियस बुक्स, उसमें से मुझे 2 प्रेरणा मिली थी जो मेरा जीवन का पार्ट बन गई। पहली प्रेरणा वो थी कि सुबह का जो टाइम, जिनको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, पहला पहर कहते हैं, सूरज निकल जाता है, तो वही ब्लेसिंग से मुझे 17 साल की उम्र में अफ्रीका जाने की अपॉर्चुनिटी, वहाँ जाके भी मैंने ये दोनों डिसिप्लिन जान लिया। और पढ़ा लिखा नहीं था तो अफ्रीका में बहुत चैलेंजेस, वो टाइम पे अफ्रीका में दंगे बहुत हो रहे थे, जैसे आपने भूमिका कर लिया, हम बहुत मेहनत करते थे, मैं और मेरे बड़े भाई और दूसरे जो हमारे पार्टनर के सपोर्ट से, लेकिन दंगे की वजह से एक बार उठे, दो बार उठे, लेकिन हमारे अंदर जो बचपन से मेडिटेशन ध्यान की जो आदत थी, या सुबह जो उठ के हम जो एनर्जी लेते थे, वो एनर्जी हमें मजबूत रखती थी, स्ट्रांग रखती थी,
और हम वापस खड़े, अपने आप पे भरोसा था और एक अच्छी सी कहावत है कि बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो ये मंत्र हमें पता था क्योंकि बचपन से हमने सीखा है और आज 49-50 ईयर्स का मैं हो गया, 35 साल मेरी जर्नी हुई है और आपने मेरी मूवी में देखे कि आज ऊपर वाला नहीं पहुँचा। ये मूवी जो है आप कहाँ कहाँ अब दिखाएंगे, जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पे दिखाया तो कहीं पे इसे लॉन्च करने की कहीं स्क्रीनिंग करके क्लोज फ्रेंड्स के साथ फीडबैक ले रहे हैं और थोड़ा बहुत हम लोग उसका मार्केटिंग भी कर रहे हैं ताकि हम दिसंबर एंड जनवरी तक आवे तो लोग तक हम पहुंच जावे। और इसका जितना भी पैसा आएगा, ये मूवी का जितना भी फंड इश्यू होगा, सारा रिजवान आदित्य फाउंडेशन इंडिया में जाएगा, उससे हम हेल्थ एजुकेशन लाइवलीहुड पे हम लोग मैक्सिमम सब स्टेट्स में काम करें। किस तरह का एक संदेश मैसेज देना चाहते हैं उन युवाओं को जो आजकल जो हिम्मत हार रहे हैं? बस युवाओं को वही मैसेज दूंगा कि आप लॉन्ग टर्म की आपकी सोच रखो और जितने भी क्राइसिस आवे उसमें सब्र से काम लो और बड़ी सोच रखो। आप छोटी छोटी बातों से आप घबरा मत जाओ, आप चिंता मत करो, छोटी छोटी बातों में आप फ्रस्ट्रेट होकर आप उल्टी सुल्टी लाइन में मत चले जाओ। आपकी जो यूथ की जो आपकी एज है ना, आपके भगवान की तरफ से वरदान है क्योंकि वहाँ से आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगी, आगे जाके फैमिली लाइफ बनेगी और वहाँ से आपकी लाइफ डेवलप होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो यूथ की एज हो फाउंडेशन को आप स्ट्रांग एंड पॉजिटिव बनाओ जैसे मैंने बनाया है, क्योंकि बड़ी सोच रखोगे, बड़े ड्रीम्स करोगे, ईमानदारी के साथ आप मेहनत करोगे तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। जैसे बोलते हैं स्काई इज़ ए बिगनिंग, तो स्काई इज़ ए बिगनिंग बट ईमानदारी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमने भी नहीं किया, दो दिन हम भूखे भी रहे हैं लेकिन कभी बेईमानी या अप्रामाणिकता से हमने कभी काम नहीं किया और आज ऊपर वाला की मेहरबानी से हमें ये लेवल पर पहुँचे हैं। यही कहूंगा कि ऊपर वाले की मेहरबानी कि आज ये फिल्म तक हम पहुंच सके, क्योंकि हमारी लाइफ जैसे आप बोले कि हम बहुत गरीब थे, छोटे से परिवार थे और वहाँ से हमने जर्नी शुरू की और बहुत सारी चैलेंजेस को हमने फेस किया, बहुत उतार चढ़ाव देखे लाइफ का और आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और वही हमारे डायरेक्टर ने देखा कि नहीं, इसको तो हमें फिल्म में डालना चाहिए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, लोगों को इंस्पिरेशन मिले। उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये मूवी का प्लान किया और आज हमने ये स्क्रीनिंग रखा था फर्स्ट टाइम दिल्ली में और हमें बहुत उम्मीद है कि ये मूवी लोगों को बहुत इंस्पायर करेगी। खास करके तीन टाइप के लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा ये मूवी देखने से। पहले तो यूथ को, जो यूथ है जो इनके पास डायरेक्शन नहीं है, जिनके पास होप नहीं है, उन लोगों को सपोर्ट करेगी, एक डायरेक्शन देगी कि कैसे हमें लॉन्ग टर्म का सोचना, कैसे हमें बड़े ड्रीम्स करना हो, कैसे हमें सब्र से काम लेना। दूसरा जो लोग हैं जो बिजनेस के अंदर लॉस कर देते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, उन लोगों को एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हम वापस खड़े हो सकेंगे, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा टाइम दे देवे तो हम वापस अपनी लाइफ को खड़ी कर सकते हैं। और तीसरी जो है वो है फैमिली यूनिटी, कितनी इंपॉर्टेंट है कि फैमिली यूनिटी के साथ मिलकर चैलेंजेस को फेस करेगी तो निखर सकती है। तो ये तीनों टाइप के लोगों को मैसेज देंगी और एक तरह का एक होप देंगी कि नहीं, अल्लाह ताला ने एक इंसान बना के भेजा है तो उसके पीछे उसका मकसद था कि हम अच्छी तरह अपनी लाइफ को डेवलप करें। जैसे कि आपने कहा कि फिल्म से जब आप रिलीज करेंगे जो भी पैसा आएगा वो आप चैरिटी कर देंगे। बराबर है, फिल्म हम जब रिलीज करेंगे उनका जितना भी पैसा आएगा वो सारा रिजवान आदित्य फाउंडेशन इंडिया में जाएगा और हमारे बहुत सारे एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इंडिया के 6 स्टेट्स में अभी चल रहे हैं लेकिन हमारा प्लान है पान इंडिया में काम करना, क्योंकि हम रिलीजन, कास्ट, क्रीड कुछ नहीं देखते हैं। मैं मानव हूँ और मानवता की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरा इंडिया में हम काम करेंगे। इतना अच्छा काम आप करते हैं तो कभी आपको प्रधानमंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला? यस, मैं बहुत नसीबदार हूँ वो उसके बाद में, क्योंकि 3 बार मुझे 4 साल में पर्सनली 3 बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने का अवसर मिला था। पर्सनली मैंने उनके साथ मेरे प्रोजेक्ट शेयर किए हैं, उसमें बहुत ब्लेसिंग्स और सपोर्ट ऑफर किया है और इंशाल्लाह आगे जाके मैं गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे मिनिस्टर्स ने मेरा सम्मान किया, अवार्ड से मुझे नवाजा है। सम्मान, अवार्ड्स, मुलाकात एक तरह का मोटिवेशन है, एक तरह का ब्लेसिंग है और हमारा जोश और जज्बा बढ़ाता है। सर, आप एक छोटे से परिवार से हैं तो क्या आपको क्या लगा कि मूवी क्यों लॉन्च करें? बस वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे डायरेक्टर साहब की मेहरबानी है, उसने देखा कि मेरी लाइफ जो हिसाब से डेवलप हुई है वो पूरा उसने स्टडी किया 4-6 महीने तक, उसके बाद उसने एक प्रपोजल दिया कि नहीं, ये आपको सेवा करनी है तो एक सेवा का एक पार्ट है ऐसा समझ के इसके ऊपर आप सोचो
और हमने सोच के डिस्कस करके डिसाइड किया कि नहीं, ये मूवी हमारे हमें बनानी चाहिए। पहले हम सोच रहे थे कि डॉक्यूमेंट्री बनाएं, लेकिन बाद में हम सोचा कि डॉक्यूमेंट्री की बजाय हम एक फीचर फिल्म बनाएं ताकि लोगों तक पहुँच सकें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री का जो प्रोजेक्शन हर जगह करना मुमकिन नहीं होता। सर, जैसे फिल्म यहाँ तक आपने कहा है कि फिल्म लॉन्च करेंगे, तो क्या इसके जो कॉस्ट होगी वो कितना रखेंगे, क्या टैक्स फ्री किया जाएगा इसे? नहीं, आजकल जो टैक्स फ्री होता है ना, उसका वो स्टेट वाइज डिसाइड करते हैं। अभी वो सेंटर से वो निकल गया है, तो हम स्टेट वाइज हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, जहाँ से भी हम मिलेंगे ले लेंगे। स्टार्टिंग में कितने स्टेट में आप अपनी फिल्म? पूरा भारत में करेंगे, लिमिटेड सिनेमा में करेंगे, लेकिन पूरा इंडिया, पैन इंडिया करेंगे। पूरा गुजरात बॉम्बे टेरिटरी है, नॉर्थ टेरिटरी है, और साउथ में भी हम दो तीन सिटीज जैसे हैदराबाद वगैरह। हरीश जी, आपके डायरेक्शन की बात करें तो बहुत बढ़िया डायरेक्शन आपने मूवी दिया है, हम लोग देखे हैं मूवी। रिजवान अदतिया का बायोपिक आपको कहाँ से मिला, या किसने ये सलाह दिया कि इस पे जो है काम करना चाहिए आपको? एक्चुअली हमारी मुलाकात हुई, हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि गुजरात से कई लोग अफ्रीका जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, उसके ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए। तो मैं लकीली मैं रिजवान साहब से मिला, फिर रिजवान भाई साहब ने बात की, तो सोच रहे थे डॉक्यूमेंट्री बनाने, मैंने कहा नहीं डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी, कोई देखने के लिए लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा, फीचर फिल्म बनाते हैं, लोगों के पास जाते हैं। तो इस फिल्म को बनाने में मुझे 4 साल लग गए। पहले हम लोगों ने एक राइटर को मैंने सिलेक्ट किया, डॉक्टर शरद ठाकर, उसको हमने कॉन्गो मोजाम्बिक और पोरबंदर भेजे, उन्होंने कभी करीब 80 इंटरव्यूज लिए, उन्होंने उनके जो भाई बहन है फैमिली से, उनके बिजनेस कलीग्स हैं, उसके डायरेक्टर से, उसकी कंपनी के, इन सब से करके हमने ये किताब लिखी रिजवान अदतिया गुजराती है, जो हमने बाद में पब्लिश किया, उसको 1.5 साल लग गया। उसके बाद में पिछले 2.5 साल से इस फिल्म पे हम काम कर रहे हैं, अभी ये कम्प्लीट हो गया। थैंक यू सर। फाउंडेशन के पब्लिक रिव्यू लीजिए, फाउंडेशन के बारे में नहीं, मूवी के बारे में। आपका नाम लेके सर? हाँ, मैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव। आज हमने रिजवान नामक जो फिल्म देखी, बायोपिक देखी, और ये सत्य घटनाओं पर आधारित है, एक व्यक्ति के संघर्ष पर आधारित है, जिस व्यक्ति ने बड़ी सफलता हासिल की, और उस सफलता को उसने व्यक्तिगत नहीं बनाया, अपनी उस सफलता को उसने समाज को समर्पित कर दिया है, हिंदुस्तान को समर्पित किया है, और जिन देशों में उनका व्यापार फला फूला उन देशों को समर्पित किया है, गरीबों को समर्पित किया है। और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि एक व्यक्ति जो संघर्ष से बड़ा बने, वो मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए अपना जीवन, अपना पैसा, अपनी सफलता समर्पित कर दे। 5 में से कितना नंबर देना चाहेंगे रिजवान मूवी को? रिजवान मूवी को इस आधार पर कि यह मनुष्यता का संदेश देती है, मैं निश्चित तौर पर 4 अंक दूंगा। मेरा नाम महमूद अख्तर है, मैं रिटायर्ड कमिश्नर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज और MEA से भी। महमूद सर, कैसी लगी रिजवान मूवी आपको? बहुत अच्छी है, वेरी नाइस मूवी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन हु इज़ एंटरप्राइजिंग, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये कैसे टॉप पे जाते हैं और साथ साथ चैरिटी का भी काम करते हैं, जो कि हमारे वक्त के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। वेरी नाइस मूवी, कास्ट भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी बायोग्राफिकल स्केच है। संदेश की बात करें तो मूवी समाज को क्या संदेश देगी? ये देगी कि साहब, आप दूसरे मुल्क में जाकर के दौलत कमाएं, पैसा कमाएं, साथ में चैरिटी भी ज़रूर करें, वहाँ के लोगों का, वहाँ के देशों के लोगों का ख्याल रखें और अपने देश का भी ख्याल रखें। आपने मूवी देखी रिजवान, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, वेरी इंस्पिरेशनल। मतलब आज के बच्चों के लिए, जो जैसे एजुकेशन के बारे में इसमें दिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन इन्होंने नहीं हासिल की, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बुलंदी पे पहुँचे, तो ये बहुत बड़ा मुकाम पे गए हैं। तो जी, मैम आपका नाम बताइए। मैं कहानी लिखती हूँ, कहानीकार हूँ, ऑन कर दीजिए। आप कहानीकार हैं, और ये मूवी की कहानी कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, इंस्पायरिंग है, और मैंने सोचा कि मेरे बच्चे भी इनको देखें, क्योंकि मैं जामिया स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, मैं चाहती हूँ कि वहाँ के लिए एक स्पेशल शो हम रखें इसको और बच्चों को दिखाएं। बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तुम बोलोगी? मेरा नाम आलोक अग्रवाल, मुझे मौका मिला आज एक लेख देने का आदित्य जी को,
और मूवी देख के बहुत ही अच्छा लगा कि एक आदमी जो विदेश में रह रहा है अपनी रूट्स को नहीं भूला, इंडिया एज ए कंट्री को बिल्कुल पूरा याद रखा हुआ है और तीन नेशंस में बहुत ही हम्बलनेस के साथ, बहुत ही ह्यूमन नेचर के साथ और बहुत ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कार्यक्रम, CSR के कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से वो चला रहे हैं, कमा रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, साथ साथ समाज सेवा के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मूवी से देखने से मिला कि उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को पहले ना समझते हुए क्या लोअर तबके के समाज को रिक्वायरमेंट क्या है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। जैसे कि दवाई किसी की रिक्वायरमेंट थी, वो एग्ज़ाम्पल बहुत ही आई ओपनर थी कि किसी इंसान को सालों बाद अपनी पहली पगार मिली हुई हो और उस पहली पगार में से अपनी ज़्यादातर अमाउंट वो किसी नीडी आदमी को दवा खरीदने के लिए दे दिया। ऐसे उनके CSR के प्रोजेक्ट या समाज सेवा के प्रोजेक्ट जो तीन देशों में उन्होंने बताया चल रहे हैं, ये आदमी अपने लिए बहुत ही बड़ी एक लेगेसी छोड़ रहा है जो कि सिर्फ पैसा कमाना आदमी क्या ले जाता है ऊपर, जो ले जाता होता है जो समाज में क्या कार्यक्रम आप कर रहे हैं, व्हाट रियल ग्रेट डीड्स यू आर डूइंग फॉर द सोशली डाउन ट्रोडन पीपल इन द इन योर रेस्पेक्टिव एरिया, दैट इज समथिंग विच काउंट्स एंड दैट इज समथिंग विच यू कैरी विद यू। विद दीज वर्ड्स आई विल से आई हैव मेट ए ग्रेट ह्यूमन बींग टूडे हु इज डूइंग वंडरफुल थिंग्स। पाँच में से कितना अंक देना चाहेंगे रिजवान मूवी को? मैं कहूँगा ये मूवी जगह जगह इंस्पिरेशनल मूवी की तरह से दिखाई जानी चाहिए, मैं कहूँगा 4 से ऊपर अंक मिलने चाहिए। थैंक यू सर। मैम एक बार फिर से प्लीज। मैं डॉक्टर वंदना अग्रवाल, मैंने मूवी देखी, मुझे मूवी देखकर ऐसा लगा जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ प्रीचिंग सुनने जाते हैं, ये प्रीचिंग ना सुन के हमारे सामने एक एग्जांपल है। अगर हम हिंदुइज़्म के बारे में जाने तो हमें पता लगता है कि हम सबके अंदर एक अपनी ब्रह्मा आत्मा है और यही आत्मा सबके अंदर है। जब हम ये जान लें कि ये जो हमें ये शरीर मिला है या हमें ये ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी में हम वो कुछ कर सकते हैं जो दूसरी योनियों में अगर चले जाएं तो हम नहीं कर सकते, तो ये इतनी बड़ी बात, रिलीजन की बात जो सन्यासी लोग ओल्ड एज में जानते हैं, सबसे इतनी जल्दी ये रिजवान अपने अभी से ये बात समझ रहे हैं कि मेरा जो ये जीवन है इसमें मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है, जबकि मैं अपनी आत्मा की तरह ही दूसरे की आत्मा मानती हूँ। ये इतना अच्छा सबक है कि कितने भी तुम रिलीजन की किताबें पढ़ लो, ऋग्वेद पढ़ लो, अपना वेद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, तब हमें पता चलता है, ये हमें इसी से ये पता लगता है। और ये जीती जागती मूर्ति है जो इस मूवी में मतलब हमें इनके पर्सनैलिटी से हमें पता चलता है। तो मुझे जो है तो ये क्योंकि कभी कभी जब मैं मैनेजमेंट के कोर्सेज देखती हूँ जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यहाँ चलाए जाते हैं, उसके अंदर लिटरेचर का एक कॉम्पोनेंट होता है और लिटरेचर का कॉम्पोनेंट इसीलिए होता है कि आदमी को उसकी ह्यूमैनिटी पता लग जाए, उसे ही पता लग जाए कि वो पहले मानव है बाद में सब कुछ है। तो बिजनेस भी अगर ऑनेस्टी से किया जाए, बिजनेस भी अगर पहले दूसरे की ज़रूरत समझ के किया जाए तो वही बिजनेस है। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाया जाए, बिजनेस का मतलब ये है कि तुम जो हो सोसाइटी में कुछ ऐसा काम कर रहे हो उससे जो ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर वो कमी है वो कमी पूरी हो जाए। साइलेंस प्लीज। तो मुझे ये दोनों बातें कि इतनी बड़ी बातें इतने सरल ढंग से जो कही गई हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। नहीं, फिल्म तो बहुत अच्छी थी। आपने अपना परिचय नहीं बताया मैम। मैं उमा कुलश्रेष्ठ। फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, इतना इंस्पिरेशनल स्टोरी, अपनी एक लाइफ टाइम में कोई इतना तरक्की कर ली इतनी सेवा के भाव के साथ, ये भी एक रियल गुड इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू मैम। मैम आपका परिचय और कैसी लगी मूवी? मैं शशि श्रीवास्तव और मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी एंड इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशनल स्टोरी और स्पेशली जो उन्होंने बाद में जो फाउंडेशन बनाया है
वो काम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पैसा तो सभी कमा लेते हैं लेकिन इसको शेयर बहुत ही कम लोग करते हैं। थैंक यू मैम, आपका परिचय और कैसी लगी रिजवान फिल्म आपको? मेरा नाम पूनम गुप्ता है। मूवी बहुत अच्छी थी, किस तरह से उन्होंने जो काम किया, 5 साल में सब कुछ खत्म हो गया, दोबारा उन्होंने उठ के खड़ा किया है, वो बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरों की हेल्प करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी। आपका नाम है? सुषमा। कैसी लगी? बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, बहुत ही अच्छा उनका था। कभी वाज नेवर। सर आपका नाम? सर मेरा नाम राजकुमार श्रीवास्तव है। राजकुमार सर, कैसी लगी फिल्म रिजवान आपको? ये फिल्म रिजवान बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और जो हमने सुन रखा था कि गुजरात के लोग बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं और बिना रुपए पैसे जाते हैं, वहाँ से मेहनत करते हैं और कमाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं पोरबंदर गया भी हूँ तो मुझे तो अच्छा लगा कि पोरबंदर से कोई बाहर गया हुआ है और 3 देशों में अभी अपना तरक्की कर रहे हैं, 3500 लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बाकी लोगों को भी इसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इससे सीख मिलेगी। सर आपका नाम बताइए। मैं दीपक गुप्ता हूँ। दीपक सर, कैसी लगी फिल्म रिजवान आपको? फिल्म बहुत ही बढ़िया मूवी थी, ग्रेट इंस्पिरेशन, क्योंकि जिस तरह से स्क्रैच से वो स्टार्ट हुए और उसके बाद में इतना अचीव किया उन्होंने लाइफ में, और उन्होंने सोसाइटी को वापस भी किया है, तो ये सब चीज़ देखते हुए बहुत अच्छी मूवी है। जगदीश प्रसाद शुक्ला, मैं प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर नॉर्दर्न रेलवे का और CMD। मुझे इसलिए खास ये अच्छी लगी क्योंकि मैं खुद मोजाम्बिक मापुतो में काम कर चुका हूँ और उसी दौरान काम किया है मैंने जब इन्होंने जिक्र किया था, तो उस समय जो कम्युनिस्ट कंट्री थी, फ्रीडम मिली थी मोजाम्बिक को, और वहाँ पे हमारे जो गुजराती भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया। ग्रॉसरी की जितनी भी शॉप थी, जितनी भी गारमेंट्स की शॉप थी, सारी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये है मापुतो के अंदर बहुत खूबसूरत शहर है, इतना खूबसूरत है क्लाइमेट, वहाँ पंखे की ज़रूरत होती है ना, एयर कंडीशनर की ज़रूरत होती है, और हम लोगों ने जाकर के वहाँ इतना बहुत ज़्यादा काम किया था। मैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेकेंड मैन पर गया था वहाँ पर, और हमने बेहद अच्छा काम किया था, इसीलिए भारतीय लोगों को वो जो अंग्रेज़ लोग हैं उनसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि एक वहाँ का जो नेटिव मोजाम्बिक का था, वो हमारे घर पर काम करना पसंद करता था, अंग्रेज़ के घर पर काम करना पसंद नहीं करता। तो इन्होंने जो संदेश दिया है, एक बहुत बेहतरीन संदेश है आज के युवा लोगों के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितनी आप मेहनत करोगे और उसके बाद ये कमाने के बाद, कहते हैं ना एक, मैं आपको चौपाई बताता हूँ तुलसीदास की, कीरत बनत भूत बल सोई सुरसर सम सबक कम अधिक, मतलब जो आपने दौलत कमाई है यदि वो आपको समाज के लिए, कल्याण के लिए, मानव सेवा के लिए लगाते हो, तो इससे उत्तम काम और कोई हो नहीं सकता, यही सबसे उत्तम काम है। तो इसमें जो इन्होंने फिल्म में संदेश दिया है, एक बहुत ही बेहतरीन संदेश है जो आज के युवा वर्ग के लिए बहुत ही उपयोगी है, और मेहनत का होना इसमें कर्म प्रधान विश्व रचना है, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और मेरे ख्याल से यदि आप जितना ही इसका प्रचार प्रसार करोगे उतनी ही अच्छी बात। 5 में से कितना अंक देना चाहेंगे फिल्म रिजवान? 5 में से 4 देना चाहिए। मेरा नाम रिलोफर खान है, मैं यहाँ पे दिल्ली में कौमी बत्ती चैट बैंक के उसके असिस्टेंट एडिटर, और आसिफ साहब के इसरार पे हमने आज का प्रोग्राम शिरकत की। उनका बहुत ही इन्विटेशन था, बहुत कि आप आइए ज़रूर मूवी वॉच कीजिए, तो हमें उसी सिलसिले में, मैं और मेरे हस्बैंड शादी थी, मेरा बेटा हिमांश, हम लोग यहाँ पे आ गए। देखिए ये फिल्म जो कि सच्ची कहानी पर बेस्ड है, और ये बात हमें मालूम थी कि ये सच्ची कहानी पर बेस्ड है, तो उसको ध्यान में रख के जो फिल्म देखी तो बेहतर हमें फिल्म पसंद आई, और बहुत इमोशनली हम उससे अटैच हो गए। और वाकई में ऐसा लगा कि सच्चाई और ईमानदारी से अगर कोई भी काम किया जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के काम किया जाए, तो ज़रूर ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है। बल्कि सभी लोगों को इससे एक सबक लेना चाहिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है इससे हमेशा फ़ायदा होता है, और बहुत ही उम्दा हमें फिल्म लगी, और जबकि 2 घंटे की फिल्म थी, बड़ी फिल्म थी,
फिल्म थोड़ी सी हमें बड़ी लगी। अगर हम आपको सच्चा ओपिनियन दें तो इसको हम आधा घंटा कम कर सकते थे। अगर ये 1 पॉइंट मतलब डेढ़ घंटे की होती तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा इम्पैक्ट तो खैर है ही, और ज़्यादा एक अच्छा रहता, क्योंकि डेढ़ घंटे में आप काफ़ी अपना जो भी आपके विचार हैं, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप पब्लिक को देना चाहते हैं मैसेज, वो उसमें भी आ सकता है। एनीवे, लेकिन ओवरऑल हमें अच्छी लगी, ऑल एंजॉय द इवनिंग एंड लवली डिनर। उसको उसको फिल्म समझ के तो हमने देखा ही नहीं, उसको फिल्म समझ के हमने नहीं देखा, तो कहानी देख रहे थे, रिजवान साहब की कहानी देख रहे थे, जिसमें हमें बहुत मज़ा आ रहा था। तो इसलिए जो है बहुत बढ़िया फिल्म रही, पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत लोगों ने अच्छा बोला, कई लोगों ने बहुत अच्छा बोला उनके बारे में, और सब लोगों को उनसे लेसन लेना चाहिए। और इसके साथ ही थैंक यू। मेरा नाम MR कासमी है और मैं बुनियादी तौर पर उर्दू का शायर, साहित्य से मेरा ताल्लुक है। और मैंने ये फिल्म देखी और फिल्म देख के मैंने मेरे जहन में एक मशवरा है कि जो दिल्ली में ख़ास तौर पर जो सिलम कॉलोनियाँ हैं वहाँ इस फिल्म के शो होने चाहिए, ताकि जो नौजवान भटका हुआ है वो इससे कुछ प्रेरणा ले। सबक 5 में से कितना नंबर देना चाहेंगे फिल्म रिजवान को? 5 में से 5 ही दिए जा सकते हैं। बड़ी गजब की फिल्म, 15-80 बस बड़ी होगी थोड़ी। हाँ नहीं, थोड़ी सी बड़ी। कैसी लगी सर, हालांकि आपने बहुत बार फिल्म देखी है यहाँ से लेकर मुंबई तक, और फिर भी आपकी राय क्या है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ और ये सबको बता देना चाहता हूँ कि रिजवान साहब ने तिजारत के साथ इबादत को शामिल किया। इबादत और तिजारत जब दोनों चीज़ें करी जाती हैं तो कामयाबी अपने आप होती है। उन्होंने जो इंसानियत का धर्म निभाया है, उनका जो धर्म था वो इंसानियत था, और उस इंसानियत के धर्म के नाते आज वो उस बुलंदी पे पहुँच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उनसे सीखना चाहिए लोगों को, और उनसे उनको इसमें मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, और इस ऐसी जो उनकी जो फिल्म बनी है इसको सरकार टैक्स फ्री करे, और टैक्स फ्री करने के साथ साथ रिजवान साहब को जो बड़ा से बड़ा जो भी अवार्ड होना चाहिए भारत का वो उनको मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि रिजवान अब भारतीय नहीं, अब भारतीय हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। थैंक यू सर, बहुत खुशियाँ। सर आज आ जाओ, आज नहीं नहीं जाने को नहीं नहीं कैसी लगी फिल्म? आपको क्या अच्छा लगा फिल्म में? सबसे अच्छा क्या लगा? बोलो ऐसा बोलो। हाँ मैंने देखी फिल्म, ऐसा बोलो ना। जो क्या करते हो आप, कौन से क्लास में पढ़ते हो? आप भी बड़े होकर के इस तरह से लोगों की सेवा करना चाहोगे? नहीं ऐसा बोलो, टीवी में तुम्हारा ये सेंटेंस आएगा। शम्स है। शम्स जी कैसी लगी रिजवान आपने देखी? बहुत अच्छी फिल्म है, और ये लोगों को एक सबक सिखाती है कि हिम्मत से काम लेना चाहिए, मुश्किलात आएंगी उससे परेशान नहीं हो, बस के उसका पूरे जवामर्दी के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। कहते हैं फिल्म को निर्देशन करने में जो निर्देशक का हाथ होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी निर्देशक की होती है, तो कैसा लगा निर्देशन फिल्म? ये बात तो सही है, सब कुछ डायरेक्शन पे होता है, मेन हीरो को उसका नहीं तो जैसे बताया जाएगा वो एक है, मेन तो डायरेक्टर का ही रोल होता है, मेन सबसे अहम रोल डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर के काम से आप बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा बिल्कुल, और जो मैसेज जो देना इस फिल्म में चाहते हैं वो पूरे तौर पर मैसेज दिया जा रहा है और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा मैसेज है। थैंक यू। रिजवान जी, नहीं रिजवान जी इज अ वेरी नाइस पर्सन, और जो उनका डाउन टू अर्थ अब जो मिलकर जो मैंने पाया है उनको, तो दैट्स सरप्राइजिंग पर्सन, मतलब जो अचीव्ड सो मच थिंग्स, वो अभी भी लोगों से किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर है, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू मैम। कैसी लगी आपको मूवी, क्या कहना चाहेंगे रिजवान जी के लिए, क्या शुभकामनाएं आपकी हैं? श्योर, हेलो, आई एम मोफो, आई एम फ्रॉम कनाडा, आई एम विजिटिंग इंडिया,
was born and raised here, but I've been there for 19 years. Today, actually, my brother was invited by Mr. Rizwan for the program. He knows him, he met him in Surat in one of the functions, and they are very good friends. So I thought my brother asked me to accompany him, and I thought I should come. After coming, I really liked the program. Since I was here, I really liked the program a lot. It's a very inspirational program, the video which we saw, the movie. I'm sure he has inspired many people, and this movie which has been produced will inspire more and more people. The amount of great work he's doing is outstanding. I cannot even imagine from where he started and where he has been today. So yeah, it's great work, and I'm so happy that I was here, and I had a lovely evening and good food, watched a very inspirational video that met Mr. Rizwan, had a good chat with him. So yeah, I mean, I look forward to seeing him again in future, and I really wish him the best in life, and I hope and he and his company prospers more in life, and they do more good work for the people. Thank you.